नमस्कार, मैं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने प्रदेश के सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों को समग्र शिक्षा की गतिविधियों की प्रतिमा समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने विद्यालयों में दी जा रही इंक्लूसिव शिक्षा की ओर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं समग्र शिक्षा की कार्यकारी कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सरकारी प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूलों में विद्यार्थियों का विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए प्रदेश के 1050 स्कूलों में हरियाणा स्कूल साइंस प्रमोशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 1233 साइंस लैब स्थापित की गई हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिले के 200 विद्यार्थियों को साइंस से जुड़े स्थलों का भ्रमण भी करवाया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभिनव गतिविधियों के तहत पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बैगलेस स्कूल की कल्पना की गई है, जिसके तहत अब तक 119 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। देखें पल पल की यह खास रिपोर्ट।